अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द फेरी व्लॉग चैनल। सो गाइज़, मैंने पहले तो है ना सामने सामने जो है वीडियो रिकॉर्ड की थी, बाद में मुझे ना मेरी आवाज़ इतनी ज़्यादा गंदी लग रही थी ना कि मैंने क्या करी, आवाज़ को म्यूट करके पीछे से आवाज़ दे रही हूँ। तो आज मैं आपको बता दूँ कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आज मैं और मेरी फैमिली जा रहे हैं एक बहुत ही अच्छे वाले ट्रिप पे। हम जा रहे हैं रिसोर्ट जो हमारे नियरेस्ट ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, एक वन से वन एंड हाफ एन आवर लग जाएंगे हमें पहुँचने के लिए। तो मॉर्निंग उठ के अभी सब हम फ्रेश होके एकदम रेडी है। मैं ऊपर रुकी हुई थी बिकॉज मुझे इंट्रो स्टार्ट करना था, मेरी सारी फैमिलीज जो है नीचे उतर चुकी है, तो हम भी चलते हैं नीचे, पूरा रिसॉर्ट एक्सप्लोर करती हूँ, आपको भी सारी इन्फॉर्मेशन देती हूँ। तो अगर आपको भी पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो में लास्ट तक बने रहो, एंड वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो फटाफट उतरते हैं नीचे। तो फाइनली माशाल्लाह से हम सब रेडी हो चुके हैं और अभी हम निकल रहे हैं। तो हमें सबसे पहले जाना है अंबरनाथ स्टेशन। हमारे यहाँ से तो अंबरनाथ स्टेशन ज़्यादा दूर नहीं है, एक 7 to 8 स्टॉप ही है अंबरनाथ स्टेशन का, या तो उससे भी कम है, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। तो लेट्स गो, चलते हैं, बहुत सारी मज़ा आने वाली है। पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगी कौन से रिसॉर्ट जा रहे हैं, क्या है क्या नहीं, तो वीडियो में लास्ट तक अगर आप बने रहोगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। वैसे मैं बता दूं कि ज़्यादा मतलब बोलते हैं ना हैवी रेंज का नहीं है, एकदम रिजनेबल रेंज का रिसॉर्ट है। तो लेट्स गो, एंड हम भी पहली बार जा रहे तो चल के देखते क्या है। सो फाइनली हम लोग पहुँच गए अंबरनाथ स्टेशन और ये रही मेरी फैमिली। हाय गाइस, हाय 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 जुन्नू जुन्नू, हाय हाय बेटू, चलो। तो यहाँ पे निया व्लॉगिंग करते हुए और मेरी पूरी फैमिली माशाल्लाह पहुँच गई है। अब हमें जाना है बाहर, हम उतरे हैं अंबरनाथ स्टेशन। अभी यहाँ से पता करते हैं कि रिसॉर्ट जाने के लिए हमें क्या मिलेगा। तो आपको है ना आनंद रिसॉर्ट जाने के लिए आना है अंबरनाथ ईस्ट में, और यहाँ से 30 रुपया पर पर्सन शेयरिंग है। हम लोग अभी फ़िलहाल कर रहे हैं नाश्ता, मस्त गर्मा गर्म वड़ा पाव, क्योंकि मॉर्निंग ना मुंबई का वड़ा पाव खा के बहुत मज़ा आ जाती है। तो पेट भर के नाश्ता करते फिर शेयरिंग लेंगे और शेयरिंग लेके आनंद रिसोर्ट पहुँचेंगे। तो अभी हम लोग खा रहे, मीठी चटनी नहीं होगी यहाँ का, मस्त गर्मा गर्म वड़ा पाव। कैसा है मम्मी वड़ा पाव? एकदम गर्मा गर्म ने लिया वड़ा पाव, और अभी सब यहाँ पे वड़ा पाव इंजॉय करें। मेरे को भी तीखी चटनी डाल के देना वड़ा पाव में। ये आंटी के यहाँ से हम खा रहे वड़ा पाव। मुंबई में ना वड़ा पाव खाने बहुत मज़ा आती है, बहुत टेस्टी है। निया तेरा ब्लॉगिंग कर, कहाँ गया? लाओ एक और लो तुम अपने लिए, ये देखो मिर्ची मस्त सब डाल के। फाइनली हम पहुंच गए आनंद सागर रिसोर्ट, और यहाँ पे देख लो बहुत बड़ी पार्किंग है, 2-व्हीलर की भी है एंड 4-व्हीलर की भी है। और हम तो ऑटो से आए, शेयरिंग ऑटो से, एंड देन अभी लाइन लगा के लेना है टिकट। टिकट का प्राइस है कुछ 350 रुपीज़, एंड यहाँ पे ना वाटर पार्क का टाइमिंग लिखा है, सुबह 10 बजे चालू होता है और इवनिंग में 6 बजे तक जो है बंद होगा। एंड जो DJ टाइमिंग है वो 11 से 1 है, फिर 2 से 5 है। तो पहले टिकट ले लें। तो यहाँ पे ना हमने टिकट ले लिए 9, हम लोग बड़े और एक छोटे, तो छोटे की 350 लगी है। और यहाँ हमारे बच्चे, क्या हुआ चिया? चिया रिसोर्ट आ गए, रिसोर्ट आ। तो यहाँ पे देखो मम्मी और आंटी, वहाँ पे दीदी, सब इंजॉय करते हुए यहाँ पे निया खड़ी हुई है। अभी चलते हैं रिसोर्ट के अंदर, तो अभी मैं और निया यहाँ पे साथ में इंजॉय करे, और झूला मिलते साथ हम लोग सब भूल गए। हम लोग बोले पहले झूले से इंजॉय कर ले, फिर इसके बाद हम जाएंगे रिसोर्ट में। बड़ी मजा आई, यहाँ बहुत अच्छे से झूल गए। ये देखो रिसोर्ट में आते साथ मेरी आंटी आम लेके तोड़े, पक्के आम। हाँ। बताओ अलग कितने प्यारे आम है।
तो आज मैं अपनी फैमिली के साथ आई थी आनंद सागर रिसोर्ट, जो अंबरनाथ ईस्ट में लोकेटेड है। एंट्री फीस बड़ों की है 350 और अगर छोटे बच्चे तो उनका 300 रुपीज़ आपको पे करना है। एंट्री करते साथ एक छोटा सा झूले टाइप गार्डन था जहाँ पे आप अच्छा खासा इंजॉय कर सकते हो। एंड देन उसके बाद हमने ली अंदर एंट्री। एंट्री में आपको मिल जाता है एक ड्रिंकिंग वाटर का सेटअप जहाँ पर आप पानी पी सकते हो। फिर आपको चेंजिंग रूम मिल जाएगा जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें जेंट्स का पार्टीशन अलग है एंड लेडीज़ का अलग है। फिर यहाँ पर मुझे दिख गया था एक बहुत ही छोटा सा रेस्ट्रो या ढाबा टाइप आप बोल सकते हो, जहाँ पे आप अपना स्नैक्स वगैरह इंजॉय कर सकते हो। ये आपको पे करके खाना था क्योंकि टिकट में जो है ना पेमेंट नहीं थे फूड्स के। जो 350 रुपीज़ की टिकट है ना उसमें ओनली आपको रिसोर्ट की टिकट मिल जाती है। उसके बाद एक और मुझे फूड्स का काउंटर दिख गया था जो बहुत ही रिजनेबल था, ज़्यादा हाई रेट का नहीं था, बट जो भी चीज़ें आप खाते हो तो आपको पे करना है। फाइनली हमने एंट्री ले लिए थे रिसोर्ट के अंदर और माशाल्लाह अच्छा खासा रिसोर्ट था। जो हिसाब से टिकट थी ना वो हिसाब से रिसोर्ट बहुत अच्छा बना हुआ था। आप वन डे की ट्रिप प्लान कर रहे हो तो डेफिनेटली आप जा सकते हो। हम वीकडेज़ में आए थे, हमने सोचा था कि रश कम मिलेगा, बट अभी कैसा है, वैकेशन का टाइम चालू था, समर वैकेशन, तो इस वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्दी थी। फिर यहाँ पे जोहान, मम्मी, हमारी जितनी भी फैमिली आई थी माशाल्लाह से काफ़ी हद तक इंजॉय कर रहे थे। यहाँ पर आपको 2 से 3 स्विमिंग पूल मिल जाएंगे। एक स्विमिंग पूल में आपको अच्छा खासा पानी मिल जाएगा जिसमें आप बड़े अच्छा खासा इंजॉय कर सकते हो। बाकी जो 2 स्विमिंग पूल है वो बहुत ही नॉर्मली है, जिसमें आप छोटे बच्चों के साथ इंजॉय कर सकते हो, ज़्यादा पानी वगैरह नहीं है। फिर यहाँ पे आपको काफ़ी स्लाइड्स भी मिल जाएगी छोटी मोटी, एंड स्लाइडिंग भी काफ़ी अच्छी है, और बड़े लोग के लिए भी स्लाइडिंग है, छोटे बच्चों के लिए भी स्लाइडिंग है। ज़्यादा स्लाइडिंग तो यहाँ पर है नहीं, बट जितनी भी है काफ़ी अच्छी है। ये एक छोटा सा स्विमिंग पूल है जहाँ पे अगर आपके साथ बच्चे आ रहे हैं तो बहुत ही अच्छा खासा इंजॉय कर सकते हैं। ये एक बच्चों के लिए ना छोटा सा स्विमिंग पूल है। जैसा मैंने आपको बताया कि 2 स्विमिंग पूल बहुत छोटे हैं जिसमें सिर्फ बच्चों के लिए, तो उसमें से एक था वो एंड एक था ये वाला जिसमें बच्चे जो है इंजॉय कर सकते हैं। और जो ये बड़ा वाला स्विमिंग पूल है इसमें आप बड़े इंजॉय कर सकते हो, पानी अच्छा नीट एंड क्लीन था। फिर जो सेकंड वाला स्विमिंग पूल है उसमें आपको एक छोटा सा शावर टाइप में मिल जाएगा जहाँ पे बच्चे अच्छा खासा इंजॉय कर सकते हैं। ऑल इन वन 350 रुपीज़ में मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा रिसोर्ट। बट यही है कि फूड्स वगैरह अगर आपको खाना है तो आप अलग से इंजॉय कर सकते हो, एंड पानी जो बड़े लोग के लिए ना उसमें क्लोरीन ज़्यादा है, तो अगर आप जा रहे हो तो थोड़ा ध्यान से, क्योंकि छोटे बच्चे हमारे साथ में तो हमें उनका भी जो है बहुत ख्याल रखना है। माशाल्लाह से हमारी फैमिली तो काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छा इंजॉय कर रही थी। हमारे साथ जितने बच्चे गए थे काफ़ी हद तक अच्छा इंजॉय कर रहे थे। काफ़ी इंजॉय करने के बाद हमें लग गई थी बहुत ज़्यादा ज़ोर से भूख, तो मैंने जो आपको 2 रेस्टोरेंट दिखाई थी तो हमने सोचा था कि वहाँ पे ही हम कुछ खाते। वो उसके अलावा यहाँ पर आपको थोड़े छोटे छोटे स्टॉल भी मिल जाएंगे जिसमें आपको कैंडी और यहाँ पे आपको आइसक्रीम, पॉप कॉर्न एंड जूसेस वगैरह के स्टॉल्स भी मिल जाएंगे। ये सब भी आपको पे करके खाना है, बिल्कुल भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। ये कोई भी चीज़ें आपको टिकट में इंक्लूड नहीं है। सबका पेमेंट मैंने वीडियो में शो की हूँ, तो अगर आप बच्चों के साथ जा रहे हो तो ज़्यादा महंगा भी नहीं है, एकदम रिजनेबल ही है। 20 रुपीज़ में गोला है, 20 से 30 रुपीज़ के बीच में आइसक्रीम है, 30 से 40 रुपीज़ के बीच में वेज पफ है, यहाँ पर आपको चिकन नहीं मिल जाता है पफ में, एंड जूसेस की क्वालिटी एंड क्वान्टिटी अच्छी थी।
30 रुपीस पर ग्लास था जूसेस। उसके बाद हमने थोड़ा बहुत यहाँ पे इंजॉय करने के बाद हम गए यहाँ पर, आपको एक थाल सेक्शन भी मिल जाती है। थाल में आपको मिल जाएगा नॉन वेज और वेज थाल। वेज का 150 रुपीस था और नॉन वेज का 200 रुपीस था। ये आपको अनलिमिटेड नहीं मिलेगी, बिल्कुल लिमिटेड थाल मिलेगी, मतलब एक ही बार आपको थाल में खाना दिया जाएगा, उसके बाद आप एक्स्ट्रा नहीं ले सकते हो। तो ये मुझे वर्थ नहीं लग रही थी क्योंकि इसकी जो क्वांटिटी थी ना वो बहुत कम थी, साथ में आपको अचार एंड सॉल्ट वगैरह भी सर्व किया जाएगा। हम आ गए थे आनंद सागर के डोसा कॉर्नर के रिसोर्ट के पास, जो डोसा कॉर्नर था उसके अंदर। ये मुझे थोड़ा ठीक ठाक लग रहा था, इसका जो प्राइस वगैरह था ये भी काफ़ी हद तक अच्छा था। तो यहाँ से सबसे पहले मैंने ना बहुत सारी चीज़ें, मतलब सबसे पूछ ली कि सबको क्या क्या खाना है, उसके बाद ऑर्डर की। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, आपको यहाँ पे मिल जाएंगे गर्मा गर्म समोसे। समोसे के बाद यहाँ पर आपको साथ में चटनी मिर्ची वगैरह मिल जाएंगे। समोसे का प्राइस 20 रुपीज़ था समथिंग। फिर यहाँ पर आपको मिल जाएगी गर्मा गर्म पाव भाजी, अगर आप सादा पाव भाजी लेते हो तो 60 रुपीज़ प्राइस था। एंड यहाँ पर मुझे ना गर्मा गर्म मेंदू वड़ा भी बनते हुए दिख रहे थे, साथ ही साथ मेंदू वड़ा था, डोसा था और पाव भाजी का टेस्ट भी अच्छा था, ओके ओके था, खा सकते हो आप। क्योंकि आपको पता है कि बच्चे जब पानी में खूब ज़्यादा इंजॉय करते तो उनके बाद उनको बहुत ज़्यादा भूख लगती है। उसके बाद अगर आप पाव भाजी के लिए एक्स्ट्रा पाव लेते हो तो उसका प्राइस आपको पड़ जाता है 10 रुपये। 10 रुपये में आपको एक पाव पड़ जाता है। यहाँ पर साथ ही साथ मैंने मसाला डोसा भी ली थी जो मुझे 60 रुपीज़ का पड़ गया था। आपको ऑनियन उत्पप्पा सादा डोसा बहुत सारी वैरायटीज़ में मिल जाएंगे, मेन्यू कार्ड मैंने आपको मेंशन कर दियो, आप चेकआउट कर सकते हो प्राइजेस एंड ऑल। फिर साथ ही साथ यहाँ पर मेरे को गर्मा गर्म मेंदू वड़ा दिख गए थे, तो जब ये गर्मा गर्म बन रहे थे तो मेरा इतना मन चाह रहा था खाने का, तो मैंने सोचा एक प्लेट जो है ना मेंदू वड़ा भी ले लेती हूँ। क्वालिटी बहुत अच्छी थी, क्वांटिटी भी बहुत अच्छी थी, मतलब जैसा डोसे का बेस वगैरह था ना काफ़ी हद तक अच्छा था। फूड इंजॉय करने के बाद मैं आ गई थी पीछे वाले सेक्शन में, जहाँ पे आपको मैं बता दूँ डीजे लगता है। तो यहाँ पर भी आपको एक छोटा सा स्विमिंग पूल मिल जाएगा जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हद तक काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं, जो बहुत छोटे बच्चे जो बड़े स्विमिंग पूल में नहीं जा सकते तो वो बिल्कुल यहाँ पर इंजॉय कर सकते। फिर ये था रेनी डांस के लिए, और यहाँ पे डीजे बजता है खूब ज़्यादा, ये आपको 1 से 2 के बीच में बंद मिलेगा जब लंच टाइम होता है, एनीवे 5 बजे तक ये आपको ओपन मिलेगा। तो हमने तो काफ़ी हद तक इंजॉय किए थे, हमें तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। एंड फूड की बात करूँ तो बाहर से अलाउड नहीं है फूड लेके जाना, आपको जो भी चीज़ें खाना है आप अंदर ही खरीद के खा सकते हो। इनफैक्ट पानी का बॉटल भी आपको कोई भी चीज़ ना बाहर से अलाउड नहीं करेंगे अंदर लाने के लिए। तो हमने लास्ट तक का डीजे वगैरह में इंजॉय किए और फैमिली के साथ मैंने तो ये दिन बहुत ज़्यादा स्पेंड की और बहुत मज़ा आ गया था। क्योंकि कुछ वक्त ऐसा हो जाता है कि फैमिली के साथ स्पेंड ना करो ना तो एकदम अलग अलग और एकदम अजीब अजीब सी फीलिंग आती है। मुझे तो ऐसा है कि हमेशा फैमिली के साथ ना महीने में एक ट्रिप ऐसी होनी चाहिए कि हमारा मूड फ्रेश हो जाए। आज मेरा जोहान माशाल्लाह से बहुत हद तक इंजॉय कर रहा था। तो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन ये वीडियो में दे दी हूँ, आई होप गाइज़ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।